तो एचपी यहाँ पर इंडिया में और एक नया लैपटॉप लेके आता है, एचपी का प्रोबुक 635 एरो G7, ये लैपटॉप का नाम है। तो इसके स्पेसिफिकेशंस एंड प्राइसिंग की बात करते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई डिटेल्स मिस ना हो। लेट्स गो। तो एचपी का प्रोबुक 635 एरो G7, ये थोड़ा लंबा नाम है तो हम इसे एरो G7 कहते हैं। तो ये जो लैपटॉप है आपको AMD Ryzen 4000 सीरीज के प्रोसेसर के साथ में देखने को मिलने वाला है। एंड आप यहाँ पर लैपटॉप का लुक देख सकते हो, एक सिंपल सा HP लैपटॉप आपको देखने को मिलता है, विद आपको नैरो बेजल्स देखने को मिलते हैं, प्लस आपको कीबोर्ड्स वगैरह जो है वो नॉर्मल चिकलेट टाइप के कीबोर्ड्स देखने को मिलेंगे, शायद से वो बैकलिट करेंगे। एंड आपको दो वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं यहाँ पर, AMD का Ryzen 5 एंड AMD का Ryzen 7। तो ये दोनों प्रोसेसर्स होने वाले हैं 4000 सीरीज पर ही बेस्ड। एंड आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स देखने को मिलता है, वो है AMD का वेगा ग्राफिक्स। आपको कोई डेडिकेटेड ग्राफिक्स एक्सटर्नली देखने को नहीं मिलता। तो दो वेरिएंट आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, एक में आपको 42 वाट आवर का बैटरी देखने को मिलता है और एक में मिलता है 53 वाट आवर का बैटरी, जो कि दावा करता है 23 आवर्स तक चल जाएगा। तो काफी बढ़िया यहाँ पर लैपटॉप में डेडिकेटेड ग्राफिक तो नहीं है, तो उम्मीद भी कर सकते हैं हम 23 आवर्स का बैटरी बैकअप जरूर से। तो शायद से अभी लैपटॉप्स भी यहाँ पर मोबाइल जैसे बैटरी बैकअप देते हैं, उसी तरीके से आपको कुछ बैटरी बैकअप देखने को मिलने वाले हैं। तो काफी बढ़िया रहेगा अगर लैपटॉप भी यहाँ पर लॉन्ग ड्यूरेशन तक चल सके। एंड यहाँ पर ये प्रीमियम लैपटॉप यहाँ पर एक्चुअल में बोल नहीं सकता, लेकिन बिजनेस या फिर ऑफिस स्टूडेंट्स लोग जो भी यहाँ पर खरीदना चाहते हैं तो जरूर से खरीद सकते हैं ये ट्रैवलिंग लैपटॉप इजीली, क्योंकि यहाँ पर 1 किलो का इसका वेट है। एंड लाइट वेट होने का एक ही फायदा है कि आप कहीं पर भी इजीली कैरी कर सकते हो अपने पीठ के ऊपर, 1 kg का यहाँ पर ज्यादा कुछ वेट यहाँ पर फील नहीं होता। तो यहाँ पर बात करते हैं प्राइसिंग की, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेंसिव रख दिया है एचपी वालों ने। तो HP का ये Aero G7 की प्राइस निकल के आती है, स्टार्टिंग में ही आपको 75,000 रुपीज की कीमत देखने को मिलती है, यानी कि 74,999। एंड यही है अपनी इंडिया की प्राइसिंग। तो Ryzen 5 ये जो प्रोसेसर के साथ आएगा उसकी स्टार्टिंग प्राइस 75 है, एंड Ryzen 7 की शायद से 80 तक जाएगी। तो ये लैपटॉप की प्री ऑर्डरिंग सेल कंपनी के वेबसाइट पर आपको ऑफिशियली देखने को मिल जाएगी। एंड आपको यहाँ पर इंटरनल स्पेसिफिकेशंस में थोड़ा बहुत सा क्लियर कर देता हूँ, HP का प्रोबुक 635 एरो G7 में आपको देखने को मिलता है विंडोज 10 प्रो ऑफिशियली, यहाँ पर एक होता है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 प्रो। एंड उसके बाद आता है 13.3 इंच का फुल HD प्लस IPS पैनल वाला डिस्प्ले, जहाँ पर आपको 1000 nits का ब्राइटनेस देखने को मिलता है, मतलब इतना ब्राइटनेस होने वाला है कि आप आउटडोर कंडीशन में इजिली यूज कर सकते हो। एंड 86.2% का यहाँ पर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, तो नैरो बेजल्स आप बोल सकते हो, 4-5 mm के यहाँ पर बेजल्स देखने को मिलेंगे। HP का सुपर यू इंटीग्रेटेड कंपोनेंट टिंट प्राइवेसी स्क्रीन, तो व्यूइंग एंगल्स यहाँ पर अच्छे से हो सकते हैं, तो कुछ कुछ जगह से आपको एक प्राइवेसी वाला पार्ट भी देखने को मिल जाएगा। एंड AMD का Ryzen 5 एंड Ryzen 7 प्रोसेसर देखने को मिलते हैं, एक में आपको 8 GB की मिलेगी जो कि AMD Ryzen 5 है, एंड दूसरे में 16 GB की होगी, उसमें आपको AMD Ryzen 7 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स आपको देखने को मिलता है, 512 GB की SSD है। ऑनबोर्ड आपको रेडियन ग्राफिक्स देखने को मिलता है, HD यहाँ पर कैमरा, यहाँ पर 720p का सिंपली एक HD कैमरा दिया है, ड्यूल स्टूडियो स्पीकर्स एंड ड्यूल अरे माइक्रोफोन, जहाँ पर अच्छे से आप कम्युनिकेशन या फिर वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो। पोर्ट्स की कमी यहाँ पर बिल्कुल रखी नहीं है, आपको यहाँ पर कनेक्टिविटी भी ठीक ठाक से देखने को मिल जाएगी, Wi-Fi 6 देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर 53 वाट आवर्स की बैटरी बैकअप आपको काफी लॉन्ग डे तक मतलब चल जाएगी इजीली, एंड वेट भी 1 kg का, तो काफी यहाँ पर अच्छे से लैपटॉप को मेंटेन किया है, जरा प्रीमियम क्वालिटी पे जा सकता है। 75,000 की कीमत है इसकी, तो आप ऐसे सोच सकते हो एक प्रीमियम कमर्शियल लैपटॉप बिजनेस रिलेटेड या फिर स्टूडेंट्स को अगर चाहिए होगा तो जरूर से प्रीफर कर सकते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी आपको देखने को मिलता है। तो ये था पूरा HP का प्रोबुक 635 एरो G7 का एक हाईलाइट, एंड ये इंडिया में आ चुका है, इसका प्री ऑर्डरिंग ऑफिशियल वेबसाइट पे स्टार्ट हो गई है। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं लिंक जरूर से डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, एंड एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। तो इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है, पसंद है जरूर से लाइक बटन कर दीजिए। अगर आपको कोई सवाल हो तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, मैं सारे सवाल के जवाब देता हूँ। डू शेयर दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू जीटेक, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, फुकट का माल है, 5000 तक पहुंचना है भाई, हिट द बेल आइकन, बाय।